हाय दोस्तों, मैं संतोष कुमार, वन के इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है, ये मेरे पास एक इंडक्शन कुकर आया है, इसमें फॉल्ट ये है कि लाइन सप्लाई देने के बाद ये हीटिंग हो रहा है, कभी हीटिंग नहीं हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि कभी हीटिंग पकड़ रहा है, कभी हीटिंग नहीं पकड़ रहा है। चलिए आपको ये लाइव दिखा रहे हैं कि इसमें कैसे फॉल्ट आ रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें लाइन दे दिए, फिर यहाँ से स्टैंड बाई करते हैं, स्टैंड बाई कर दिए। स्टैंड बाई करने के बाद देखिए, मेरा जो फ़ैन होता है वो फ़ैन कुछ सेकंड के लिए चल रहा है, फिर फ़ैन धीरे स्लो हो जा रहा है, फिर फ़ैन चल रहा है, फिर स्लो हो जा रहा है। जैसे कहने का मतलब है कि मेरा पानी हीटिंग हो रहा है, फिर छोड़ दे रहा है, फिर हीटिंग हो रहा है, फिर छोड़ दे रहा है। चलिए चलिए इस इंडक्शन कुकर को खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, इसको कैसे फॉल्ट को दूर करेंगे। चलिए मेरे वीडियो पे बन रहिए और वीडियो मेरे वीडियो को देखते रहिए। देखिए देखो, कुकर को खोल दिए हैं। खोलने के बाद मैंने यहाँ पर IGBT जो लगा होता है उसको चेक किए, और ये वोल्टेज पूरा मीटर से नापे, पावर सप्लाई नापे, मेरा कैपेसिटर को चेक किए, कॉइल को चेक किए, सब मेरा ओके था। फिर भी ये फॉल्ट कहाँ से आया था, देखिए मेरा ये फ़ैन जो होता है 18 वोल्ट का फ़ैन, ये फ़ैन मेरा टूटा हुआ था। देखिए इसको जब ओपन किए तो देखिए ये फ़ैन जो है, देखिए यहाँ पर टूटा हुआ था, इसीलिए मेरा हीटिंग सही से नहीं कर रहा था। देखिए ये फ़ैन टूटा हुआ है, सही से काम, देखिए ये फ़ैन टूटा हुआ था और सही से काम भी नहीं कर रहा था, इसीलिए मेरा कभी हीटिंग हो रहा था, कभी हीटिंग नहीं हो रहा था। चलिए दोस्तों, इस फ़ैन को चेंज करेंगे। फ़ैन को यहाँ देखिए निकाल दिए, फ़ैन टूट चुका है, इसको फ़ैन का निकाल दिए। देखिए दोस्तों, मेरे पास न्यू फ़ैन है एक तो, इस फ़ैन को डाल दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर डाल दिए, डालने के बाद यहाँ पर देखिए जैक को लगा दिए। चलिए अब इसको पूरा कस कर देखते हैं कि मेरा इंडक्शन कुकर चालू हुआ कि नहीं हुआ। फाइनली देखिए इंडक्शन चूल्हा का कस दिए हैं, अब चेक करके आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मेरा इंडक्शन कुकर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। देखिए इसमें पानी डाल दे रहे हैं, डालने के बाद देखिए यहाँ पर लाइन सप्लाई दे रहे हैं, लाइन मेरा आ गया। देखिए मेरा इंडक्शन चूल्हा चालू हो गया और मेरा इंडक्शन चूल्हा काम करने लगा, इसमें अभी कोई फॉल्ट नहीं है। हीटिंग देखिए मेरा पानी उबाल करने लगा, देखिए मेरा इंडक्शन चूल्हा ठीक हो गया है। आपके पास ऐसा कोई भी फॉल्ट आएगा तो पहले आप फ़ैन को चेक कीजिए, और फ़ैन आपका ठीक होगा तो फिर 18 वोल्ट को चेक कीजिए, मेरा सप्लाई 18 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप ऐसा फॉल्ट फ़ैन से ही होता है, आपका फ़ैन नहीं चालू चलेगा या नहीं चालू होगा तो इस ऐसा फॉल्ट आपके पास आ सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।